जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ECG, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट है ना, या फिर ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, या घरेलू उपाय क्या है, ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है या नहीं, ठीक है, और मेडिकल पे इसकी दवाई उपलब्ध है या नहीं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि आप तक अगला वीडियो आसानी से जल्द पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, BP क्या है, सबसे पहले सवाल उठता है, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में धमनियां होती हैं, जिसमें ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, बहता है, तो उनके दीवालों पे जो बल लगता है, खून का जो प्रेशर लगता है, उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसे क्या है कि ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक है, या गांव देहात में सुने होंगे कि फलाना को बीमारी हो गया, किस चीज़ का, बीपी का मरीज है, ठीक है, यानी बीपी का बीमारी हो गया है। अब इसे हम हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं, उच्च रक्त चाप भी बोलते हैं, साइलेंट किलर भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका नाम है, ठीक है। चलिए समझते हैं ECG क्या है। तो भाई साहब, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें क्या होता है कि इसकी मशीन, कभी कभी आप देखे होंगे जो हार्ट का पेशेंट होता है, उसको डॉक्टर क्या लिखता है कि आप ECG का क्या करिए, टेस्ट करवा के लाइए, है ना। तो क्या करता है कि भाई उस पर चेकआउट होती है तो उस पर कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है, ठीक है, मशीन पे कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके बॉडी पर, ठीक है, 12 अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह पर लीड लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि TV वगैरह में, ठीक है, ऊपर लीड खोजते हैं, नीचवा TVA में खोजते हैं, तभी ना पकड़ता है जी, फिगर आता है, ऑडियो वीडियो लीड होती है, समझ रहे हैं। तो उसी प्रकार 12 अलग अलग जगह पर, ठीक है, लीड लगाया जाता है, ठीक है, और पूरे जो हार्ट का जो भी अपना फंक्शन होता है वो वर्क करता है और रिपोर्ट आती है, तो कुछ इस प्रकार फंक्शन कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं, तो समझ गए आपकी ब्लड प्रेशर क्या है। अब समझते हैं कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, ठीक है, इसे दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, डायलास्टिक ब्लड प्रेशर, यानी कि बोलते हैं ना कि बाहर में ऊपर वाला और नीचे वाला, तो देखिए डायलास्टिक ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायलास्टिक ब्लड प्रेशर, है ना, यानी कि ऊपर वाला दबाव यानी कि दाब प्रेशर और नीचे वाला दाब, ठीक है। अब समझते हैं कि नॉर्मल बीपी क्या होता है। देखिए, जब सब कुछ ठीक है, आपका मतलब मानसिक रूप से आप या शारीरिक रूप से मतलब कार्य कर रहे हैं, सब कुछ एकदम सही तरीके से सही ढंग से हो रहा है, तब तो आपका बीपी भाई साहब क्या है, 120/80 है, नॉर्मल है, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आता है। अब भाई साहब, जब बीपी आपका हाई हो जाता है, ठीक है, तो आप बहुत जल्दी लाल पीला हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि सभी विद्यार्थियों का जो बीपी है वो थोड़ा हाई ही रहना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, जैसे 120/180 है ना, तो 130/85 हो जाए वो सही है। तो देखिए, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे आप, समझ में आ रहा है। तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, 150/90 हो जाना, ठीक है, अब 120 से 50 हो गया, 150, और ये 80 से 90 हो गया, तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी कि उच्च रक्त चाप बोलते हैं। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आप। अब आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है, अब इसका उल्टा हो जाए, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया भाई, नॉर्मल था, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कभी कभी भाई साहब उल्टा भी तो हो सकता है, और मान लीजिए कि लो ब्लड प्रेशर हो जाए, ठीक है, यानी कि जो रक्तचाप है वो थोड़ा सा लो हो जाए, ज्यादा कम हो जाए, तो क्या होगा, अब इसमें डॉक्टर सलाह क्या देता है कि फल सब्जी, है ना, मसाले गरम, ये सब चीजें को क्या करना है, थोड़ा सा लिमिट में ज्यादा सेवन करना है, तो आपका बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल वगैरह पे इसकी दवाई क्या होती है, अवेलेबल होती है, आप वहां से जाके ले सकते हैं, मतलब डॉक्टर वगैरह, ठीक है, सलाह देता है, उसके प्रिवेंशन को हम मान करते हैं और ले लेते हैं दवा, और सब ठीक हो जाता है बीपी, ठीक है, यानी कि सब जो रोग होता है ECG वगैरह के, मतलब जो भी ब्लड प्रेशर है आपका, लो है मतलब हाई है, ठीक है। अब देखिए आगे जो होता है, इसका घरेलू उपाय भी है, हम इसका घरेलू उपाय पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जब आपका बीपी, मैंने आपको बताया है कि जब हाई हो गया तो नमक मिर्ची गर्म चीज़ ये सब क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है, अगर ज़्यादा क्या हो गया है तो हाई हो गया है तो कम करेंगे तभी ना नॉर्मल होगा। अगर आपका नॉर्मल हो गया, थोड़ा सा मेंटेन करना है, नॉर्मल उसको करना है, ठीक है, कम हो गया है तो लो हो गया है, तो उसके नमक मिर्ची मसाला थोड़ा सा बढ़ा के खाएंगे तो सही हो जाएगा। अभी तो माई घरेलू उपाय तो हुआ नहीं, है ना, हालांकि ये भी उसी से रिलेटेड है, आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो फिर दवाई लिखेगा, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अब इसका घरेलू उपाय क्या है, जब आपका बीपी हाई हो जाए, सुन में आ रहा है, जब आपका बीपी बहुत हाई हो जाए तब आप अपनी साली से बताइए, सुन में आ रहा है, साली से बात करेंगे ना 5 मिनट, आपका जो बढ़ा हुआ बीपी है एकदम से सही हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर उल्टा हो जाए,
मतलब अब तो बीपी हाई था तो साली से बात कर रहे थे, अगर बीपी क्या हो जाए लो हो जाए तो उसका भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो आप उस समय अपने घर वाले से बात कीजिए, यकीन मानिए भाई साहब, आप आजमा के देखिएगा, जब आपका बीपी लो हो जाए ना 10 मिनट अपने घर वाले से बता लीजिए, आपका बीपी तुरंत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो में मेरा मोटो यही था, मेरा पर्पज यही था कि आपको मैं ECG ब्लड प्रेशर है ना, और ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये चीज़ समझाना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के लिए, जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।